गाजा इसराइल वॉर जोन से एक और ब्रेकिंग न्यूज सामने आ रही है। इसराइल के साथ हो रहे युद्ध में आतंकवादी संगठन हमास ने अपनी पूरी युद्ध की तकनीकी कला को झोंक दिया है। इसराइल के साथ ऊपर हमला करने के पहले उसने बाकायदा अपना एक लंबा चौड़ा कमांड सेंटर बनाया और ये कमांड सेंटर जमीन के ऊपर भी है और जमीन के नीचे दोनों जगह बनाए गए हैं। इन कमांड सेंटर्स में हमास ने आधुनिक तकनीक से युक्त कंप्यूटर और दूसरे उपकरण स्थापित किए हैं। साथ ही आपको बताएं कि जिस जगह से इसराइल पर अटैक किया जा रहा है यानी कि गाजा पट्टी का इलाका, वहां भी आधुनिक उपकरण लगाए गए हैं, एडवांस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया है। तो वॉर फ्रंट से आपको लगातार अपडेट दे रहे हैं और ऐसे में आपको बताएं कि इसराइल अग्रेसिव होकर अब गाजा पट्टी पर अटैक कर रहा है, हमास के जो मिलिटेंट्स हैं उन्हें निशाना बना रहा है और आपको तस्वीरें हम दिखाएंगे लगातार किस तरीके से विध्वंस की तस्वीरें लगातार वॉर जोन से निकलकर सामने आ रही है। बैटल ग्राउंड में कोहराम मचा पड़ा है और इस बीच नरसंहार की भी तस्वीरें हम देख रहे हैं। तस्वीरें ये दो देखिए, एक तस्वीर में आप देख सकते हैं कि गाजा पट्टी में बिजली नहीं है, वहां का आसमान तभी जगमग उठता है जब वहां इसराइल से अटैक होता है या फिर कोई बड़ा ब्लास्ट होता है। तड़के भी इसराइल ने 100 से ज्यादा एयर स्ट्राइक को अंजाम दिया है, लेकिन अगर दूसरी तस्वीर आप देखेंगे तो जब आप तस्वीर देखेंगे तो नोटिस करेंगे कि धुआं उठता हुआ दिखाई दे रहा है। इसराइल गाजा पर इतने बम बरसा रहा है कि गाजा का आसमान धुआं धुआं हो उठा है। एक तरफ इसराइल हमले कर रहा है, दूसरी तरफ हमास धमकी दे रहा है कि जैसे जैसे हमले होंगे वो बंधकों को मारता जाएगा। जाहिर है अब हमास खौफ में है और इसराइल से हमले रोकने की लगातार गुहार भी लगा रहा है। इसराइल के मीडिया के मुताबिक हमास में मरने वालों की संख्या 900 से ज्यादा हो गई है जबकि 2600 से ज्यादा लोग घायल भी हुए हैं। वहीं गाजा के स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि इजरायली हवाई हमलों में 687 फिलिस्तीनी मारे गए हैं और 3726 लोग भी घायल हुए हैं। तो ये दो तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर देखिए, किस तरीके से हवाई हमलों से लगातार दहलता हुआ नजर आ रहा है गाजा। एयर स्ट्राइक लगातार इसराइल की ओर से की जा रही है और साफ तौर पर इसराइली मिलिट्री स्पोक्स पर्सन की ओर से ये बात साफ कर दी गई है कि अब जो ये अटैक हैं, ये ऑपरेशंस हैं, वो और ज्यादा अग्रेसिव होंगे यानी कि और ज्यादा डेंजरस होंगे, और ज्यादा तबाही होगी, और ज्यादा कोहराम मचेगा और ज्यादा लोग इसमें मारे जाएंगे और ये जो युद्ध है वो लंबा खींचेगा। और अमेरिका ने इसराइल के आसपास यूरोप और बाकी अड्डों पर फाइटर जेट की तैनाती बढ़ाने का फैसला कर लिया है। इसराइल पर कोई हवाई हमला ना कर पाए इसके लिए अमेरिका ने पूरा जोर लगा दिया है। इसराइल के हवाई अड्डे भी लगातार एक्टिव है और अब अमेरिका की वायुसेना का पहुंचना इसराइल को जाहिर है एक बड़ी और नई ताकत देगा। A-10 थंडरबोल्ट विमान जो नीचे उड़ते हुए टैंकों के पूरे दस्तों को खत्म कर सकता है। इस विमान को फ्लाइंग टैंक भी कहते हैं जिस पर छोटे हथियारों की गोलीबारी का फर्क नहीं पड़ता। इसके अलावा अमेरिका के F-15 से लेकर F-16 लड़ाकू विमान भी हैं। लेकिन असली ताकत जो अमेरिका ने इसराइल को बचाने के लिए उतारी है वो है F-35 फाइटर जेट। ये वो फाइटर जेट है जो इसराइल के पास भी है लेकिन अभी उनकी तादाद सिर्फ 40 है, लिहाजा मल्टी फ्रंट के लिए इसराइल की वायुसेना को ऐसे बहुत से विमानों की जरूरत पड़ सकती है जिसकी भरपाई अमेरिका की मदद से पूरी होगी। F-35 का करीब रहना इसराइल के दुश्मनों को दूर रखने में मदद जरूर करेगा। ये आपके सामने दुनिया का सबसे खतरनाक, सबसे डेंजरस फाइटर जेट F-35 है। ये फिफ्थ जनरेशन मल्टी रोल कॉम्बैक्ट एयरक्राफ्ट भी है। इस एक लड़ाकू विमान की कीमत 1000 करोड़ रुपए के करीब है। ये अमेरिका का सबसे महंगा फाइटर प्लेन है। ये एक स्टेल्थ फाइटर जेट, जी हाँ, ये एक स्टेल्थ फाइटर जेट है जिसका साफ तौर पर मतलब हुआ ये कि रेडार इसे ट्रैक नहीं कर पाएगा, जो रेडार की पकड़ में नहीं आएगा। और इसकी बॉडी पर एक खास किस्म की कोटिंग होती है जो कि रेडार तरंगों को एब्जॉर्ब कर लेता है, सोख लेता है। और इसके अलावा इस फाइटर जेट का रेडार, एवियोनिक्स और सभी सेंसर जो है वो बहुत मजबूत होते हैं और इसी वजह से ये दूर से खतरे को सेंस कर लेता है। लेकिन इसके अलावा इसकी क्या खासियत है, पायलट का हेलमेट भी बहुत खास होता है जिसकी कीमत 3 करोड़ रुपए होती है। देखें, ये कॉकपिट है और कॉकपिट में पायलट जब बैठता है तो एक खास तरह का हेलमेट लगाता है
जिस हेलमेट की कीमत 3 करोड़ रुपए के आसपास होती है। F-35 में मिसाइल बॉडी के अंदर छुपाई जा सकती है, जिसे इंटरनल बे में छुपाकर रखा जाता है, और इसके अलावा यहां और भी हथियार रखे जाते हैं ताकि दुश्मन को रेडार सिग्नेचर ना मिले। और इसके अलावा इसके विंग्स की अगर बात करें, ये देखिए इसके विंग्स अगर आप देखेंगे तो इसके विंग्स में 10 रेडियो एंटीना है, यानी कि 10 दिशाओं से भी अगर दुश्मन अटैक करने की सोचे तो दुश्मन के रेडार की वार्निंग पहले ही पायलट को मिल जाए और वो अलर्ट हो जाए। F-35 का कंप्यूटर सिस्टम की अगर हम बात करेंगे तो इसका जो कंप्यूटर सिस्टम है वो हैक प्रूफ है, यानी कि इस पर दुश्मन निगाह नहीं डाल सकता, इसे हैक नहीं कर सकता, जिस पर दुश्मन इलेक्ट्रॉनिक अटैक नहीं कर सकता, यानी कि ये हैक नहीं किया जा सकता है, किसी भी तरीके से कंट्रोल नहीं किया जा सकता है। इसकी अधिकतम अगर रफ्तार की बात करें तो 2000 किलोमीटर की इसकी रफ्तार है पर आर की, यानी कि अंदाजा लगा सकते हैं कि कहते हैं कि बिजली की रफ्तार से ये आगे बढ़ता है और ये 50,000 फीट की ऊंचाई तक उड़ सकता है। बड़े हथियार बड़ा युद्ध रोकते भी हैं, लेकिन बड़े युद्ध की जमीन भी तैयार करते हैं। इस वक्त इजराइल का सबसे बड़ा दुश्मन ईरान बहुत खामोशी से अमेरिका की चाल देख रहा है। ईरान ने हमेशा